फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहास किचन। देखिए, मैंने ये बनाना ले रखे हैं, ये गले हुए बनाना। तो इनकी आज हम एक बहुत ही हेल्दी और बहुत ही यमी यमी रेसिपी बनाएंगे और जो सबको ज़रूर से पसंद आएगी, बच्चों को तो खास तौर से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसे। और ये आप व्रत के लिए, नवरात्रे आ रही हैं तो उसके व्रत के लिए आप पक्के से ट्राई कीजिएगा। अगर आप आटा यूज़ करते हैं व्रत में, खाते हो शाम के टाइम, तो लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, मैंने चार बनाना लिए हुए हैं, बाकी हमने दो ही यूज़ करने हैं। अगर आप ज़्यादा बना रहे हों तो आप चारों यूज़ कर सकते हैं। हमने इसके लिए सारा कुछ ले रखा है, 1 कप आटा और 1/2 कप मैंने कोकोनट पाउडर ले रखा है, और ये मैंने 1 टेबल स्पून चीनी ले रखी है, 1/2 टेबल स्पून मैंने ये सौंफ का पाउडर ले रखा है, और बिल्कुल मतलब 1/2 से भी आधा मैंने ये इलायची पाउडर ले रखा है। ये सारा कुछ हम यूज़ करेंगे। और मोन के लिए हम थोड़ा सा इसमें ऑयल या घी यूज़ कर सकते हैं, वैसे देसी घी यूज़ कीजिएगा, वो बेस्ट रहेगा। और सेकने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ऑयल या कोई भी जो चीज़ आप रिफाइंड यूज़ करते हो वो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप घी यूज़ करें तो वो तो बेस्ट है। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने आटा ले लिया। अब हम इसको जो बनाना है इसको छील के और ये सारा कुछ इसमें मिक्स करके बनाना से ही हमें डो तैयार करना है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, बेकिंग सोडा। ये मैंने जो चीनी थी वो थोड़ा सा इसको पाउडर की तरह कर लिया है, थोड़ा सा इसको मतलब पीस लिया है हल्का सा मैंने। और चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सानना, इसका डो बनाना। मैं थोड़ा सा इसमें घी यूज़ कर रही हूँ, 1 चम्मच करीब, जिससे ये टेस्ट में बहुत ही अच्छे लगेंगे आपको। पहले मैं आटे को घी से ऐसे हल्का हल्का रगड़ लेना है, जिससे कि ये स्मूथ हो जाए आटा और घी जो है पूरे में मिक्स हो जाए अच्छे से। ये आप व्रत में भी यूज़ कर सकते हैं, नवरात्रि व्रत आ रहे हैं, अगर आप आटा यूज़ करते हैं व्रत में, खाते हो शाम के टाइम, खाना खाते हो तो आप उसमें ये यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही यमी रेसिपी है ये। ये देखिए, मैंने बनाना भी छील लिए हैं, अब मैं आपको बताऊंगी इससे हम इसका डो तैयार करेंगे। हमें कुछ भी और यूज़ नहीं करना है, पानी वानी कोई यूज़ नहीं करना है, सिर्फ आटे को हमें बनाना से ही सानना है। ये देखिए, अगर आप हाथ से करें तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि हाथ में थोड़ा प्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं उसको अच्छे से। ये देखिए, अगर और भी सड़ा हुआ केला कहते हैं, जैसे बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, जो बहुत ही गल जाता है, उस केले को भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि केला एक्चुअली वो सड़ता नहीं है, बस थोड़ा सा गल जाता है, तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें करीब 2 केले या 1.5 केले लग जाएंगे। हम इसको, आप इसमें चाहें तो ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं पीस के, बाकी मैंने तो उतना यूज़ नहीं किया है, आप चाहें तो ज़रूर से यूज़ कीजिए। और आप चाहें तो पराठे बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। वैसे मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसकी पूड़ियाँ बनाइए, पुए जैसे बनते हैं वो, और बहुत ही फूले फूले टेस्टी बनते हैं। और पराठे क्या है, वो थोड़ा सा ज़्यादा घी सोखेंगे, तो इसलिए इसकी पूड़ी ही ट्राई कीजिएगा। बाकी अगर आपको पराठे अच्छे लगे हैं तो पराठे बना लीजिएगा। मैंने बेसिक सारी चीज़ें यूज़ की हुई हैं। ये देखिए, इसका डो तो ये होने लगा है, अब हम इसे जल्दी से एक अच्छा सा डो रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा कलौंजी डाल रही हूँ, बिल्कुल 1/2 टेबल स्पून करीब, जिससे कि ये देखने में अच्छी लगे। आप अजवाइन भी डाल सकते हैं, और इसको अच्छे से दबा दबा के प्रेस कर करके
टाइट डो बनाना है हमें, जैसे कि हम पूड़ी के लिए बनाते हैं नॉर्मली। ठीक है, ये देखिए डो बन के रेडी हो गया है हमारा। और मैंने थोड़ा सा सूखा आटा भी ले लिया है, जिसे डस्ट करके हम इसकी बढ़िया बढ़िया पूड़ियाँ बना सके गर्मा गर्म। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं छोटी छोटी पुआ और पूड़ियाँ बनाना। आप जो भी कहें, पुआ या पूड़ी कुछ भी कह सकते हैं, जो आप चाहें। ये देखिए मैंने ऑयल ले रखा है, ये मैं गैस ऑन कर देती हूँ। अब हम छोटी छोटी लोइयां कर लेंगे इसकी। ये देखिए मैंने चार लोइयां बना लिया ऐसी छोटी छोटी। अब हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसको बेलेंगे, बिल्कुल ऐसी, बहुत मोटा नहीं रखना है वरना बहुत पतला करना है। ये देखिए ऐसी थिकनेस होनी चाहिए। ये मैंने दो बना के रख लिए, अब और बना लेते हैं। हम लोग ऑयल से भी बनाते हैं जिससे कि अच्छी बने। ऐसे ही हम अपने सारे पुए बना के रख लेंगे। आटे को थोड़ी देर के लिए हमें सेट होके होने के लिए रखना होगा, कम से कम 5 to 10 minutes के लिए, तो ये आटा अच्छा बन जाएगा, सेट हो जाएगा। ये देखिए अब कितनी अच्छी बन रही है इसकी, और ये हमने जो पहले बनाई वो उतनी परफेक्ट नहीं बनी थी, इसलिए हमें सेट कर लेना है। और तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हमें चेक कर लेना एक बार हाथ करके। तो अब ये ठीक है, परफेक्ट है। अब हम इसमें डालेंगे, तो इसमें कुटू का आटा भी ऐड कर सकते हैं, और चीनी थोड़ा सा ज़्यादा आपको ऐड करनी पड़ेगी उस टाइम पे। कितनी बढ़िया, कितनी अच्छी फूल के आई है, बिल्कुल पूड़ी की तरह। ये देखिए दूसरी भी हमारी बन के रेडी है, बिल्कुल गर्मा गर्म फूली फूली, ऐसे ही बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी बनेंगी ये, क्रिस्पी भी। ये देखिए कितनी टेस्टी दिख रही है देखने में, कितनी यमी यमी लग रही है ये। अब हम अपनी थर्ड वाली भी जो हमने बेल के रखी थी वो भी हम इसे सेक लेंगे। ये भी बहुत ही बढ़िया फूलेगी। इसे थोड़ा सा ब्राउन हो जाने दीजिएगा, तब भी इसका अच्छे से पकेगी अंदर तक। बिल्कुल तुरंत तुरंत ही निकालना है हमने, जैसे पूड़ियाँ तो हम कम सेक के भी निकाल लेते हैं, बट इसे बहुत ज़्यादा ज़्यादा नहीं सेकना, बहुत कम नहीं सेकना, हल्का सा ये गोल्डन कलर आ जाए, ब्राउन सा, तब हम इसे निकाल लेना है। ये देखिए हमारी सारी बन के रेडी हो गई हैं। देखिए बन के रेडी हो गए हैं हमारे पुए, बनाना के पुए। ये बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही यमी हैं। ये देखिए मैंने मीठे मीठे पुओं के साथ तीखी तीखी चटनी ले रखी है, तो जल्दी से बनाइए और अपने घर में सबको खुश कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।